फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाके। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर के अंदर यूं तो गरबा अब गली कूचे में भी होने लगे हैं, लेकिन सतना शहर के अंदर त्रिदेव सेवा मंडल द्वारा आयोजित गरबा का शहर में एक अलग ही स्थान है। इस गरबा में अब तक 600 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और निश्चित तौर पर जिस तरीके की यहाँ तैयारी चल रही है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि त्रिदेव सेवा मंडल का गरबा अपने आप में सतना शहर के अंदर अद्वितीय है। त्रिदेव सेवा मंडल ने इस गरबा को गूंज का नाम दिया है और जिस तरीके से त्रिदेव सेवा मंडल ने इसका नामकरण किया है उसी तरीके से इसका काम भी है। गूंज, गरबा की गूंज आज की तारीख में न सिर्फ सतना में है बल्कि पूरे ज़िले के अंदर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। गूंज गरबा की तैयारी का हमारे संवाददाता फिरोज खान ने जायज़ा लिया और गरबा करने वाली कुछ प्रतिस्पर्धियों से बातचीत की, जिसमें पायल छाबड़ा ने कहा कि हमें साल भर गरबा कार्यक्रम का इंतजार रहता है। रितिका ने कहा कि हम गरबा के माध्यम से माता रानी को प्रसन्न करते हैं और इस बार तो हम गरबा में बॉलीवुड का भी तड़का लगाएंगे। विशाल खबर से बातचीत करते हुए नैना ने कहा कि जिस तरीके से इस गरबा का नाम गूंज रखा गया है पूरे सतना शहर में यह गरबा गूंज रहा है। इसके अलावा भी कई प्रतिस्पर्धियों ने विशाल खबर से बातचीत की और इन सभी प्रतिस्पर्धियों का उत्साह, उमंग, जोश, जुनून, जज्बा देखने लायक था। नमस्कार, मैं हूं फिरोज खान, आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको दिखा रहे हैं सतना में दशहरा शुरू होने वाला है, नवरात्र से पहले लोग और आज सतना में इस तरीके की प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं सतना से, ये तस्वीर है यहां पर, ये देखिए नवरात्र के पहले ही लोग गरबा खेलने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं कि इस बार वो यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और नवरात्र में ये इसमें गरबा खेलते हैं। आखिर इससे आज जब हम बात करेंगे, आखिर डांडिया क्यों खेला जाता है नवरात्र पर और इसका क्या महत्व है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल छाबड़ा है। आपने बताया आप गरबा खेल रही हैं, कितना इंतजार रहता है आपको? हम लोग हमेशा पूरा साल इंतजार करते हैं कि नवरात्रि आए और हम लोग गरबा खेलें, क्योंकि गरबा माता रानी की पूजा होती है। नवरात्रों में हम लोग एक पूजा के हिसाब से गरबा खेलते हैं सबके साथ। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व बताएं, गरबा खेलने से नवरात्र भर आखिर इसका महत्व? इसका महत्व ये है कि हम इसमें माता रानी की पूजा करते हैं और उनकी आराधना में हम गरबा खेलते हैं। कौन कौन से इसमें गरबा में क्या क्या स्टेप होते हैं? गरबा में हर तरह के स्टेप होते हैं, एक ताली, दो ताली और डांडिया भी हम लोग साथ में खेलते हैं, चाहे पेयर में खेलें चाहे अलग से खेलें, हमारा डांडिया भी होता है। और बॉलीवुड के साथ इस बार नया गरबा स्टेप्स हम लोग ने ऐड ऑन किए हैं, जो कि हर गरबा से अलग अलग एकदम हो रहा है। नया क्या है इस बार? क्योंकि गूंज की हिस्ट्री में इस बार नए स्टेप्स ऐड ऑन किए गए हैं और इसके साथ साथ बॉलीवुड गरबा भी हो रहा है और साथ ही साथ लास्ट में, लास्ट डे पर हम लोग डीजे नाइट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इस बार काफ़ी कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा हमारी गूंज के इस प्रोग्राम में। किस संस्था से आप लोग हैं, कौन सी संस्था, किस नाम से है ये? गूंज परिवार, गूंज टीम बोला जाता है, गूंज की फैमिली है, जहाँ पे आप लोग ये पार्टिसिपेंट्स और कोऑर्डिनेटर्स देख रहे हैं और ऑर्गेनाइजर्स ने, उन्होंने अपना नाम गूंज रखा है काफ़ी साल पहले से। आइए हम और लोगों से बात करेंगे, जैसे लोगों ने बताया कि बड़ा इंतजार रहता है और माता रानी का ये त्यौहार है, माता रानी बड़ी खुश होती है और हम और भी लोग हमारे साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रितिका अर्तानी। ये बताएं कि गरबा खेलने आती है जी, इसमें क्या रहता है? ये है कि हमारी माता रानी जो रहती है उनकी पूजा और आराधना में हम गरबा करते हैं 9 दिन उनको प्रसन्न करने के लिए, और इसी में हम लोगों ने इस बार बहुत सारा तड़का ऐड किया है, जैसे बॉलीवुड तड़का ऐड किया है पूरी गूंज की टीम ने, तो इस बार पूरा फन होने वाला है, एकदम मज़ा आएगा गरबा देखने में और करने में। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब अपनी श्रद्धा से आते हैं, सब नंगे पाँव फुल तैयार होके सच के माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। बॉलीवुड जो बता रही हैं आप, हाँ जी, बॉलीवुड में क्या है उसको थोड़ा बताएं। बॉलीवुड में बेसिकली हम लोगों ने गरबा का एक स्टेप उठाया और बॉलीवुड का हुक स्टेप उठाया,
हिंट दे देती हूँ, तत्तर तत्तर का। तो ये हम लोगों ने मिक्स करके एक बहुत अच्छा फ्यूजन बनाया। तो गरबा करते ही करते उसमें बॉलीवुड का थोड़ा सा तड़का है, जो बहुत याद नहीं, लगभग 7-8 साल हो गए होंगे। नया कुछ करने का इरादा, नई ड्रेस, क्या तैयारी आपकी? नया इस बार सब नया ही है, इस बार नए स्टेप्स लाए हैं, कोरियोग्राफर्स पूरा सीख के प्रॉपर नए नए चीज़ें लाए हैं। गरबा के स्टेप जो पहले करते थे उससे थोड़ा सा और हट के लाए, 14 ताली, 16 ताली, 10 ताली और वैरायटी आई। और कुछ कहना चाहें? आप युवा हैं और जो लोग डांडिया में हिस्सा नहीं लेते, नवरात्र पर डांडिया नहीं खेलते, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी चीज से डरिए मत, अच्छा गलत कुछ नहीं होता, बस आइए मजे करिए, हम मस्ती से करिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगी, गूंज रहा है सतना, गूंज रहा है सतना। युवा है यहाँ पर, आप देखिए कितना उत्साह है, लोग डांडिया पे नवरात्र शुरू होने वाले, लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी मैडम है, उनसे बात करेंगे। मैडम आप इधर आए और हम बात करेंगे इस बार कि इस बार वो डांडिया में क्या है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या नाम है आपका? नैना धनवानी। क्या तैयारियां इस बार डांडिया में आप लोग कर रहे हैं? इस बार हमने डांडिया में सारे न्यू स्टेप्स डाले हुए हैं, ऐसे स्टेप्स आपको सिर्फ टीवी में ही देखने को मिलते हैं, बट हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत मेहनत से स्टेप्स सीख रहे हैं और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हम सब उन्हें स्टेप्स सिखा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी मज़ा आ रहा है और सभी बहुत अच्छे से स्टेप्स सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डांडिया शुरू कहाँ से हुआ? डांडिया का ये जो चलन कहाँ से आया? वैसे तो डांडिया का चलन देखिए गुजरात से ही शुरू हुआ था। डांडिया गरबे की सबसे ज़्यादा माना जाता है तो गुजरात में ही माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सतना में, जबलपुर में, हर जगह डांडिया का गरबा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो यहाँ पे गूंज गरबा भी होने लगा और गूंज गरबा अभी। और कुछ कहना चाहें जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने अलग अलग थीम रखी है। हमारा जो फाइनल इवेंट होगा वो 4 दिन का होगा, चारों दिन पहले पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग अलग थीम हमने रखी हुई है। वो अलग अलग, एक दिन गुजराती थीम है, गुजराती थीम में आएंगे, एक दिन नियॉन थीम है, नियॉन थीम में, ऐसे अलग अलग चारों दिन की थीम्स है और पार्टिसिपेंट्स अलग अलग तरीके से तैयार होके आएंगे। आइए हम और लोगों से बात करेंगे कि डांडिया का आखिर महत्व क्या है और डांडिया युवाओं में इतना उत्साह क्यों रहता है, डांडिया लोग इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा क्यों लेते हैं। हमारे साथ युवा है, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम भावेश खिलवानी है और डांडिया के बारे में बताओ। डांडिया एक्चुअली गुजरात से पहले स्टार्ट हुआ था। माता रानी की पूजा मानी जाती है गरबा को और बहुत उत्साह रहता है युवाओं का भी इसमें। युवाओं को जो नाचते नहीं है, जिनको नहीं आता, उनको नाचने का मौका मिलता है, भक्ति करने का मौका मिलता है और एक अलग ही जोश रहता है पूरे प्रदेश में इस उत्सव में। जैसे हम गुजरात साइड जाते हैं तो हम भी यही कोशिश यही रहती है कि हम यहाँ पे भी वैसा ही माहौल प्रदान करें और वैसा ही उत्साह के साथ वैसा ही पूजा करें माता रानी की नवरात्रि में, पूरे के पूरे 9 दिन करें। कितना इंतजार रहता है? हमें तो हर साल पूरे दिल से इंतज़ार रहता है। हर साल बस यही सोचते हैं कि कब नवरात्रि आए, कब हमें गरबा करने को मिले, कब हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने को मिले, कब चीज़ों को देखने को मिले एक अलग अंदाजे से, गरबा से कैसे हमें अपने बॉडी से भी डांस के थ्रू हमको बाहर निकालने को मिले चीज़ें। बचपन से ही शौक, तो बचपन से ही कर रहा हूँ मैं। गुजरात में भी रह के आया हूँ, वहाँ भी चालू था मेरा गरबा करना। यहाँ आके हम सिखा रहे हैं, यहाँ सब बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे और दूसरे तरीके से हर जगह किया जाता है। वैसे हमारी कोशिश है सतना में भी करवाने की। नया क्या प्लान है आपका? नया पूरा गरबा का नए स्टेप्स करवा रहे हैं हम लोग, नई उमंग के साथ आए हैं, नए लोगों के साथ आए हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं और इस बार भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से ही कराएंगे। क्या नाम है आपका? भावेश खिलवानी। युवा है और युवाओं में एक अलग तरीके का जोश होता है और इन्होंने बताया कि हम काफ़ी वर्षों से इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है, यहाँ पर जो डांडिया में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रज्ञा सिंह। ये बताएं आप कि डांडिया 3, 4, 1,
माउंट करिए, आप लोग भी माउंट करिए। गुस्सा होता है, कैसे आया कि आपको डांडिया हमें जाना है, डांडिया पे खेलना है। मैंने सुना था मेरी बहन जाती थी डांडिया खेलने, तो मुझे उससे सुनकर बहुत अच्छा है। और मैंने टीवी पे भी देखा था, कई जगह देखा था, न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है इसके फंक्शंस, और अलग अलग प्रोग्राम भी मैं देखने गई थी। मुझे वहाँ देख के बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इतना अच्छे तरीके से होता है और इतना ज़्यादा उत्साह होता है लोगों में, और जब इकट्ठा होता है तब और सुंदर लगता है। जी नवरात्र में ये खेलते हैं, ये एक तरीके का लोगों को जोड़ने का है कि लोग इसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात के ही लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ खेलते हैं। इसका महत्व बहुत ज्यादा है, मतलब अलग अलग प्रदेशों से लोगों का आना, उनके साथ जुड़ना, अलग अलग तरह की उनसे बातें भी होती है, तो बहुत ज्यादा महत्व है। नहीं नहीं, मैं ये पहली बार हूँ, मैं मैरिड वुमन हूँ, मैं पहली बार। क्या तैयारी है? बहुत ज्यादा उत्साह है, मुझे तो बहुत ज्यादा उत्साह है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे खेलने के लिए डांडिया। मैंने फर्स्ट डे से ज्वाइन किया, जितने कोऑर्डिनेटर्स थे सब लोगों ने बहुत अच्छे से सिखाया, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जी अलग अलग थीम्स है, चार दिन के हिसाब से अलग अलग थीम्स है यहाँ पे। तो फर्स्ट डे की जो थीम है वो कोई भी अलग अलग यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब आपको स्टेट रिलीजन कोई भी आपको कुछ भी पहन के आना। सेकेंड डे जो थीम है वो गुजराती या राजस्थानी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप पहन के आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पोशाक पहन के आ सकते हैं। थर्ड डे का जो है, थर्ड डे का वो थीम है गॉडेस, भगवान का, कुछ भी 33 करोड़ देवी देवताओं में आप कुछ भी बन सकते हैं। और फोर्थ डे जो है वो डीजे नाइट है, तो उसमें आपको कलरफुल कपड़े पहन के आने, बेसिकली नियॉन कलर्स कपड़े आप पहन के आ सकते हैं उसमें। बड़ा उत्साह रहता है और लोगों में पहली बार वो खेल ले, इस बार डांडिया में हिस्सा ली है, और वो पहली बार हिस्सा लेने के बाद इस तरह वो तैयारियां कर रही हैं कि इस बार हम नए ड्रेस के साथ, कई ड्रेस पहनकर वो चार दिन अलग अलग ड्रेसों में यहाँ पर डांडिया करने वाले बच्चे पहुँचेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर, हमारे साथ है, आपका नाम क्या बेटा? साक्षी शीतलानी। इतनी तैयारियां कर रही हैं आप डांडिया आने के लिए? बहुत ज़्यादा, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे कि मतलब सबको दिल से अच्छा लगे, जो लोग आते हैं हम लोग को देखने की, नृत्य प्रतियोगिता होती है तो सबको अच्छी लगनी चाहिए। और कितने वर्षों से आप इसमें भाग ले रही हैं? मैं ये फर्स्ट ईयर ही कर रही हूँ, पर मुझे दिल से यहाँ पे करने में बहुत मजा आता है। कुछ बार पहली बार आप खेलने आई हैं? हाँ, यहाँ पे पहली बार। जिसके पहले भी खेल चुकी हैं? हाँ। डांडिया क्यों खेला जाता है? डांडिया माता की भक्ति के लिए खेला जाता है, सब लोग मिल के अच्छे से खेल पाए, नृत्य कर पाए, इसके लिए सब लोग एक जगह पे मिल पाए। इस बार किस तरह की तैयारियां कर रही हैं आप? इस बार बताएं। इस बार तैयारी कर रहे हैं कि जैसे कंपटीशन भी है एक प्रकार से, तो उसको प्रतियोगिता में जीत भी पाए और सबको अच्छा भी लगे। युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में बड़ा उत्साह है कि इस बार नवरात्र पर हम डांडिया खेलेंगे, माता रानी के सामने इस डांडिया को करेंगे तो माता रानी भी खुश होंगी। और ऐसे युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बार उनकी किस तरह की तैयारी चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाश्वत खेमका है। आप डांडिया और हिस्सा ले रहे हैं? जी। बताएं डांडिया के बारे में, क्या जानते हैं? डांडिया गुजरात से शुरुआत हुआ था, इनकी शुरुआत कई सौ साल पहले महाराजाओं ने की थी, और आज के नवरात्रि में हम माता को याद करते हैं, डांडिया खेलते हैं और उनको याद करते हैं। कितने वर्षों से खेल रहे हैं? मैं 3 वर्षों से। क्या तैयारियां इस बार आपकी, कौन कौन सी ड्रेस में आप डांडिया खेलने पहुंचे? मैं इस बार राजस्थानी पोशाक में खेलना चाहूंगा और अपनी माता को याद करूंगा, और कई पोशाक में अपने अपने भारत को रंग से। कई ड्रेसों में हिस्सा लेंगे, लेकर डांडिया खेलने पहुंचेंगे। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर बच्चे भाग ले रहे हैं, लोग डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नवरात्र जैसे ही शुरू होंगे, लगातार लोग नई नई ड्रेसों में इस तरह के आयोजन में पहुंचेंगे। हमारे साथ यहाँ पर है, आप बताएं आपका नाम क्या है? संजना भोजवानी। क्या तैयारियाँ इस बार डांडिया में? स्टार्ट किया है अभी, तैयारी चालू करना, और अभी तो चल ही रहा है, और अच्छा देखेंगे आगे क्या होगा। कितना उत्साह रहता है, इंतजार रहता है? बहुत ज़्यादा, साल में एक बार होता है, और फिर माता की पूजा वगैरह भी होती है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में होते हैं और तैयारी करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से ये 4 दिन आए, नवरात्रि के 9 दिन आए, तो
यही कि सब लोग यहाँ पे नौ दिन बहुत ज्यादा उत्साह से जीते हैं, सब अपनी टेंशनें भूल के सब यहाँ पे आते हैं करने। दिनों पहले आप लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं? हम लोग हो गए 15-20 दिन पहले तो चालू ही कर देते हैं तैयारी करना। इस बार क्या नया करने का इरादा है आपका इस प्रोग्राम में? अभी तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, बट देखते हैं अब आगे जैसा भी सही होगा आगे देखते हैं। तैयारियाँ तो बड़ा इंतजार रहता है, 15-10 दिन पहले ही लोग अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता छुटानी है। आप बताएं आप किस तरह की इस बार डांडिया में आप क्या तैयारियां कर रही हैं और आखिर डांडिया में आप खेलने आई हैं यहाँ पर जी, तो कितना इंतजार रहता है आपको? मुझे तो साल भर से मतलब जैसे ही पता चल नवरात्रि में पहले ही कैलेंडर में देख लेती हूँ इस तारीख का, मुझे बहुत इंतजार। मैं लास्ट ईयर की क्वीन भी रह चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि सीरीज़ जीतने के बाद मेरा उत्साह कम हो गया है, उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है। ये नहीं कि मैं सीरीज़ जीत चुकी हूँ, क्वीन बन चुकी हूँ तो मेरा कोई ऐसा नहीं, मेरे को और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उत्साह इतना हो जाता है। 15-20 दिन से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं प्रैक्टिस की, तो डेली प्रैक्टिस में आना। अब तो थीम भी बताई जा चुकी है, तो और ज़्यादा थीम की तैयारियाँ करनी कि ये थीम है इस दिन, ये थीम, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। इस बार क्या नया करने का आपको इरादा है? मैं पिछली बार भी बेस्ट दी हूँ तो इस बार और ज़्यादा बेस्ट दूंगी। ये सीक्रेट रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर मैं और अच्छा पिछली बार से भी परफॉर्म करना चाहूँगी। और बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, पिछले बार आप जीता रही हैं जी, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप, किस तरह तैयार हो, किस तरह वो हिस्सा लें? बिल्कुल एक दूसरे को ना देखें, अपना बेस्ट दें, ये नहीं कि पार्शियलिटी हो रही ये सब ना सोचें, अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान पे छोड़ना चाहिए। अगर आप बेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। किस तरह की तैयारी है इस बार आप? जी बिल्कुल, मैंने गुजराती बुक कर ली है पहले से ही, क्योंकि गुजराती हमारे यहाँ हर बार एक दिन पे थीम रहती है। दशहरा में डांडिया खेला जाता, क्यों खेला जाता, इसका महत्व बता दें। मेरा मानना तो ये है कि ये नवरात्रे माँ की आराधना के लिए होते हैं, इन्हें इसमें हम नृत्य करके माँ को खुश कर सकते हैं। और मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक रह चुकी हूँ, नवरात्रों का व्रत वगैरह हमारे फैमिली में रखा जाता था, तो मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है नवरात्रे का त्यौहार भी। डांडिया में हिस्सा लेती है नवरात्र में, डांडिया खेलती है? जी बिल्कुल। कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं अपना घर बार, मैं मैरिड हूँ, अपना घर बार बेबी छोड़ के आती हूँ कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है जी। मेरे को 7 साल हो गए होंगे लगभग। और इंतजार रहता है? जी बिल्कुल। देखिए लोगों में कितना उत्साह है, लोग कितना इंतजार करते हैं यहाँ पर। और भी बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? श्रेयसी। ये बताएं कितना इंतजार रहता है आप डांडिया खेल में हिस्सा लेने आई हैं? मैं बहुत इंतजार रहता है और बहुत मज़ा आता है कि यहाँ पे कर रहे हैं सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बहुत मज़ा आता है। डांडिया के बारे में कुछ जानती है? ये डांडिया हमें बहुत सारी चीज़ें करने में, मतलब नवरात्रि में हमारा एक बहुत अच्छा फंक्शन है और हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और बताया मतलब तैयारियाँ इस बार आपने? बहुत अच्छी तैयारियाँ हो रही है, सारे कोऑर्डिनेटर्स हमारे साथ में और बहुत अच्छा करवा रहे हैं। आप बताएं क्या तैयारियाँ इस बार आप कर रही हैं डांडिया में? इस बार अभी जो भी थीम्स है मैं उसके हिसाब से ही कर रही हूँ और अभी कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। कितना इंतजार रहता है आपको डांडिया खेलने का? जी कितना इंतजार रहता है आपको? मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ एक्चुअली करना, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डांडिया के बारे में कुछ बताएं आप? डांडिया बहुत अच्छा लगता है, मतलब नवरात्रि में करने में हमारे शहर में चहल पहल हो जाती है चारों ओर एकदम, और रौनक बढ़ जाती है इससे, बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ यहाँ के ट्रेनर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस बार उनके पास क्या तैयारियां हैं। इस बार आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, जी जी, क्या तैयारियां आपके पास हैं, नया क्या है? देखिए हम लोग इस बार नए नए स्टेप्स लेके आए हैं बच्चों के लिए, और जो डांडिया गरबा का कल्चर है, जिस वजह से डांडिया गरबा खेला जाता है, उसका महत्व भी बच्चों को बताया जा रहा है कि हम सर्कल बना के क्यों करते हैं डांडिया, और हम डांडिया में जैसे शूज़ उतार के करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक मंदिर के समान है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो हमेशा शूज़ उतार के जाते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे आते हैं तो शूज़ उतार के माता की आराधना में हम ही डांडिया गरबा करते हैं ताकि माता प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। डांडिया क्यों खेला जाता है आपको ये बताएं? देखिए डांडिया और गरबा दो अलग अलग चीज़ें हैं। गरबा जो है वो एक संस्कृत शब्द है
जिसका जो गर्भ से बना है। जैसे गर्भ एक गोल आकार का होता है और गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को माँ एक पालती है, जन्म देती है, तो इसीलिए डांडिया 9 दिन का रखा जाता है और इसीलिए डांडिया गोल गरबा गोल आकार में खेला जाता है। हाँ, और ये माता की आराधना में खेला जाता है और डांडिया जो है वो रास से जुड़ा हुआ है। तो अभी पहले सिर्फ गरबा हुआ करता था, अभी डांडिया और रास और गरबा दोनों मिक्स करके एक कल्चरल प्रोग्राम की तरह इसको आयोजन किया जाता है ताकि और मस्ती से खेला जाए और इन्जॉय किया जा सके इसमें। माता रानी की आराधना में डांडिया किया जाता है और यहाँ पर बच्चों में बड़ा उत्साह है। डांडिया और गरबा दोनों मिक्स करके इस तरह के आयोजन किया जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उससे बात करेंगे। बड़ा ये बताओ, आप डांडिया खेलने आई हो, क्या नाम है आपका? आलिया। कब से? इस बार पहली बार आई हो, कितना उत्साह है? तैयारियाँ की है? क्या कहते हैं, गरबा की हो गई है, डांडिया चल रहा है। देखिए मैं आप दिखा रहा हूँ, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से कितना उत्साह उन्हें और बड़ी तैयारियों के साथ वो गरबा यहाँ पर खेलने आए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर।